सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों Realme ने इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना एक नया ब्रांड न्यू फोन, जो कि ये है दोस्तों मेरे पास में फिलहाल इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए Realme U1। दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं बात करने वाला हूं इसी नए ब्रांड न्यू U1 के बारे में। यहां पर दोस्तों करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा है ये फोन, क्या है बॉक्स कंटेंट्स, क्या है स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसकी प्राइस और क्या है आखिर खास इसी Realme के U1 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास में बॉक्स Realme के ब्रांड न्यू फोन Realme U1 का, और यार यहाँ पे जो बॉक्स का कंप्लीट हिसाब किताब है वो चेंज कर दिया है Realme। दोस्तों जो कलर है वो हो गया है ग्रे और येलो। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मेरे पास में वेरिएंट है ये है फिलहाल 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, और इसका आपको मिल जाएगा एक और वेरियंट 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों करते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स, देखते हैं क्या मिलते हैं हमको यहाँ पे बॉक्स कॉन्टेंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिड को हटाऊँ, उससे पहले आपको बता दूँ कि भैया हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे कॉन्टेस्ट Realme C1 फोन का, जहां पे आप में से कोई 100 विनर जीत सकते हैं, 100 Realme C1 फोन्स को आपको दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके कर सकते हैं पार्टिसिपेट। और यहां पे इस फोन का भी हम करेंगे जल्दी ही कुछ ना कुछ। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले आपको मिल जाता है ऊपर ये सेक्शन, जहां पे मिलने वाला है कुछ बिल्कुल बेसिक सामान, जो कि होगा ऑफ कोर्स कुछ रीडिंग मटेरियल और साथ में ये केस आपके फोन की सुरक्षा के लिए। बाकी दोस्तों बात करते हैं, यहां पे नीचे तो रखा है हमारे लिए ये Realme U1 फोन अपने इस ब्लू कलर में। बाकी यहां पे नीचे ये एक कार्ड है जिस पे लिखी है कुछ चीजें हैं, जहां पे दोस्तों लिखा है ड्रीम्स एंबिशन करेज पावर पैशन वी फिट इट ऑल इन वन बॉक्स। काफी अच्छी बात है दोस्तों यहां पे। इसके अलावा नीचे है ये चार्जर, जो कि आता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर्स की आउटपुट रेटिंग के साथ में। और बाकी दोस्तों यहां पे है ये एक सिंपल USB टू माइक्रो USB केबल। तो यहां पे दोस्तों मेनली हम बात करते हैं सीधा इस फोन के बारे में। तो ये अपने इस आता है दोस्तों ब्लू कलर के साथ में, एक बार निकालता हूं सारी इस प्रोटेक्शन को ताकि हम आराम से देख पाएंगे इस फोन को। दोस्तों ये है इसका एकदम ब्राइट से दिखने वाला ब्लू कलर, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं काफी इंटरेस्टिंग से डेप्थ इफेक्ट्स। और यहां पे दोस्तों दो और कलर्स हैं, एक है गोल्ड एक है ब्लैक, इसको बोलते हैं टिपिकली ब्रेव ब्लू। तो यहां पे दोस्तों मैं करता हूं इसको बूट, देखते हैं कि यहां पे बैटरी तो खैर होनी ही चाहिए और फिर हम बात करेंगे फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहां पे दोस्तों फोन तो हो गया है ऑन, और यहां पे दोस्तों बात करते हैं अगर राइट साइड की, तो आपको मिल जाता है ये पावर लॉक अनलॉक बटन। यहां पे दोस्तों ऊपर की तरफ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और बात करते हैं अगर फोन के लेफ्ट साइड की, तो आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन यहां पे जो आपको मिलती है ऊपर ट्रे, वो एक बार मैं चेक करता हूं कि यहां पे आपको डेडिकेटेड ऑप्शन मिलेगा क्या मेमोरी कार्ड लगाने का। मेरे ख्याल से तो खैर मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जी हाँ बिल्कुल ये आता है एकदम ट्रिपल स्लॉट डिजाइन के साथ में कंपार्टमेंट। और बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फोन के नीचे की तरफ, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे दोस्तों माइक्रो USB पोर्ट साथ में है, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन के लिए ग्रिल, और दोस्तों है यहाँ पे हमारे लिए बहुत जरूरी चीज 3.5 mm वाला हेडफोन जैक। बाकी दोस्तों पीछे की तरफ में है Realme की ब्रांडिंग, और ये दोस्तों कंप्लीट डिजाइन है, ये आता है अपने इस एक्रिलिक मटेरियल के साथ में, जो आपको देता है ग्लास जैसे फिनिश। यहाँ पे है फिंगरप्रिंट स्कैनर, दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है ऊपर की तरफ में ड्यूल कैमरा सेटअप, जो कि आता है 13+2 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन के साथ में, और साथ में है LED फ्लैश। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहां पे सामने की, तो ये है दोस्तों 6.23 इंचेस का एक फुल HD IPS डिस्प्ले 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में, जहां पे दोस्तों ऊपर है ये एक छोटी सी वाटर ड्रॉप स्टाइल वाली नॉच, और इसी दोस्तों नॉच में छुपे हैं भैया तरह-तरह के सेंसर। जो ईयरपीस है वो है नॉच के ठीक ऊपर इस पतली सी स्लिट के पीछे। और बाकी दोस्तों यहां पे जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ये है 25 मेगापिक्सल का F2 अपर्चर के साथ में। तो मैं दोस्तों यहां पे करते हैं उसको जल्दी से सेट और फिर हम बात करते हैं कि आखिर कैसा है यही Realme U1। यहाँ पे हम पहले सेट करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को, जिसको मैं बहुत ही तेजी से सेट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी ग्रिप को एडजस्ट किया और दोस्तों ये हो गया सेट। अभी हम सेट करते हैं यहाँ पे फेस अनलॉक को। क्या बात है, ये भी भैया हो गया बिल्कुल चुटकी बजाती सेट। दोस्तों जी हाँ बिल्कुल भैया ये हो गया फोन हमारे लिए कंप्लीट सेट। और यहाँ पे दोस्तों अगर हमसे बात करता हूँ जाके देखते हैं सेटिंग्स में, तो भैया फिलहाल तो ये चलता है कलर OS के साथ में। और यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स कुछ ऐसी हैं कि जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है वर्जन 8.1.0, साथ में दोस्तों प्रोसेसर लिखा है वो यहाँ पे है ऑक्टा कोर, लेकिन ये है दोस्तों MediaTek का लेटेस्ट हिलियो P70 प्रोसेसर। दोस्तों काफी एक कमाल का प्रोसेसर अगर हमसे बात करता हूँ एक मिड रेंज फोन की। और यहाँ पे दोस्तों साथ में है 4GB की रैम, जो स्टोरेज है 64GB की, उसमें से 48.2GB के आसपास अवेलेबल है। और यहां पर दोस्तों ये है फिलहाल एंड्रॉइड के अक्टूबर के महीने के सिक्योरिटी पैच के साथ में। तो यहां पर दोस्तों ये है कुछ ऐसा फोन, और मैं यहां पे एक बार जल्दी से टेस्ट करता हूं पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को, जो कि Realme का खैर काफी फास्ट होता ही है, तो मैं इसकी तरफ फिलहाल नहीं देख रहा हूं।
जैसे ही देखा मतलब इंस्टेंट अलग, दोस्तों यहां पे लॉक स्क्रीन तो भैया बीच में आ ही नहीं रहा है, मतलब मैं भी नहीं देख रहा हूं। जैसे ही देखा इंस्टेंट दोस्तों हो गया अनलॉक, और अगर लगातार देख रहा हूं तो भैया बिल्कुल बहुत ही तेजी दोस्तों फोन के अंदर में सीधा घुस जाता हूं। बात दोस्तों अगर करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो मतलब टच किया, टच दोस्तों करते ही यहां पे जो है आपका फोन बस टच किया और टच करते ही फोन हो रहा है अनलॉक, तो ये भी खैर काफी अच्छी बात है। और यहां पर दोस्तों अगर बात करते हैं कुछ और चीजों की, तो भैया फोन के पीछे आपको बता दिया कि रैम भी है, स्टोरेज भी है, प्रोसेसर भी है, और बाकी दोस्तों यहां पे है 3500 mAh की बैटरी। और जो मेन हाईलाइट है वो दोस्तों इस फोन का डेफिनेटली जो है हेलियो P70, और साथ में 25 MP दोस्तों फ्रंट फेसिंग कैमरा है वही होने वाली है। तो यहां पर दोस्तों मैं जल्दी से एक बार इसका कैमरा भी टेस्ट कर लेता हूं। तो यहां पर दोस्तों मैं जाता हूं कैमरा में, करता हूं फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑन और एक सेल्फी क्लिक करते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये ली मैंने एक फोटो, जिसको अगर हम चेक करेंगे तो क्या बात दोस्तों, आपको डिटेल्स काफ़ी अच्छी मिल रही है। और बाकी आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल स्क्रीन पे काफ़ी सारे शॉट्स जो कि मैंने क्लिक किए हैं इसी के फ्रंट फेसिंग कैमरा, रियर फेसिंग कैमरा, अलग अलग कंडीशंस में। तो वो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि कैसा है इसका कैमरा। और यही है दोस्तों पूरी कहानी इसी रियलमी U1 की। जहां पर दोस्तों बात करता हूं अगर इसकी प्राइस की, तो जो 3GB रैम 32GB स्टोरेज वेरियंट है वो दोस्तों मिलेगा आपको 11,999 रुपये का। और ये जो मेरे पास दोस्तों है मॉडल जो कि है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, इसकी प्राइस है 14,499 रुपए। और ये दोस्तों दोनों आपको मिलने वाले हैं Amazon पे। तो ये है Realme U1, परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने वाली है MediaTek Helio P70 के साथ में। और यहां पर दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है वो भी इसकी एक मेन हाईलाइट है, जहां पर दोस्तों 25 MP का सेल्फी कैमरा है। और यहां पे AI वाले आपको कुछ-कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप मुझे बताओ दोस्तों नीचे कमेंट्स में कि आपको ये फोन कैसा लगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी कोशिश करेंगे Realme U1 को लेके आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेके आने की दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही है। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको ये Realme U1 कैसा लगा, क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगा, और क्या आपको लगता है कि Realme आगे अपने फोन्स में और इंप्रूव कर लेगा। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।